यही सवाल देखिएगा। आप देखो ये टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, आप देखो टेंजेंट्स मतलब क्या हो गया, स्पर्श या एंड मतलब और नॉर्मल मतलब अभिलंब, समझ गया ना। तो इसमें आपको जो है कि सिर्फ ढाल निकालने के लिए जो है ना ऑब्जेक्टिव आएगा, सिर्फ ढाल निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव आपको फंक्शन दे दिया रहेगा, बिंदु भी आपको दे दिया रहेगा, कहेगा कि इस बिंदु पर आप क्या कीजिए, ढाल निकालिए। इसी टाइप को आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो फिर भी कुछ विस्तार पूर्वक जानकारी ले लो, समझ गया ना, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है। देखो इससे संबंधित जो चीज आपको सबसे ज्यादा जरूरी है यह है कि m जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप, क्या बोलते हैं, m बराबर होता है tan थीटा। अगर मान के चलो थीटा का भी मान दिया है तब भी निकाल सकते, तब भी आप स्पर्श या क्या कर सकते हो, ढाल निकाल सकते हो, समझ गया ना, उसका ढाल निकाल सकता है। उसके बाद इसको हम dy by dx बोलते हैं, क्या बोलते हैं, dy by dx। अगर मान के चलो कि थीटा का मान नहीं दिया, थीटा का मान नहीं दिया है, आपको सिर्फ फंक्शन दिया है, क्या दिया है, फंक्शन, यानी y का मान दिया है और कोई बिंदु दिया है, तो क्या करना होगा, उस फलन को एक बार डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसका प्राप्त करना होगा, समझ गया ना, उसका डेरिवेटिव प्राप्त कीजिए। जब प्राप्त कर लिए तो बिंदु का मान बैठा करके ढाल निकाल लीजिए, ढाल मतलब क्या, ढलान, देखो जैसे इसमें ढलान है। अब देखो ये तो ये है, अब कभी कभी आपको दो बिंदु दिए रहेंगे, दो बिंदु दिए रहेंगे, तब ढाल कैसे निकालेगा, तो निकालने के लिए नियम है y2 माइनस y1 बटे क्या होता है x2 माइनस x1। अगर आपको दो बिंदु दिए रहेंगे तो ढाल इस प्रकार से निकालेंगे, समझ गया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, समझ गया ना, अब देखो ये क्या होता है, इनका जो इक्वेशन y माइनस वाई वन क्या होता है, y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा की ढाल, तो ये होता है dy by dx जिसको हम क्या बोलते हैं, टेन। उसी में आपको रहेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस वन बाय, आप देखिए ये जो होता है माइनस वन बटे dy by dx, या इनको हम लिख सकते हैं माइनस dx बटे dy, या इसको लिख सकते हो माइनस वन बटे या माइनस वन बटे tan थीटा। अब देखिए ये कैसे होता है, जैसे मान के चलो कि ये कोई स्पर्श रेखा है ना, इस पर कोई एक रेखा लंब है, ऐसे है ना लंब, अगर तुमको फेस का ढाल मालूम करना है, इसका ये लंब है ना 90 डिग्री का कोण बनता है, इसका ढाल मालूम है, इसका m बराबर ढाल क्या है 2 है मालूम है, इसका ढलान जब मालूम है, समझ गया ना, हेस का ढलान तुमको निकालना हो तो काफी इजी है, क्या करोगे, ये नॉर्मल हो गया ना जिसको हम लंब बोलते हैं, अभिलंब हो गया, होता है माइनस वन बटे, क्या होता है माइनस वन बटे एम, तो माइनस वन हो गया ना, एम का मान क्या है
निकल गया इसका ढाल, इसका ढाल निकल गया। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये m1 m2 बराबर क्या होता है माइनस वन लंब के लिए, समझ गया ना, लंबवत के लिए दो रेखा लंबवत हो तो उनका स्लोप का गुणनफल माइनस वन होता है, उसके स्लोप का गुणनफल क्या होता है माइनस वन होता है। इसलिए मान के चलो इसको माइनस वन बटे एम, जैसे मान के चलिए कि इसका ढाल एम वन मान लेते हैं, ये इसका ढाल एम टू मान लेते हैं ना, तो एम टू बराबर क्या होगा माइनस वन बटे एम वन होगा कि नहीं होगा, होगा ना, इसलिए माइनस वन बटे एम लिखते हैं। तो ये लंबवत के लिए हो गया कि मान के चलो कि दो गो रेखा है, ये क्या है लंबत है, और जब मान के चलिए कि दो गो रेखा क्या है पैरेलल रहे, तो होता है कि दोनों का स्लोप बराबर होता है, दोनों का स्लोप क्या होता है बराबर होता है, तब होता है m1 बराबर m2। ये चीज तो जान लिया इसका नॉर्मल स्लोप का। उसके बाद देखिए अब इसका हम इक्वेशन जानेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y माइनस y1 बराबर माइनस वन माइनस वन बटे एम एक्स माइनस एक्स वन, इतना चीज उतार लीजिए, लेकिन आपको यूज सिर्फ इसका होगा। फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व y स्क्वायर बराबर x एट पॉइंट x बराबर एक एट पॉइंट x बराबर एक। अब देखो इस प्रकार से आपको कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, कभी कभी क्या होगा कि आपको दोनों बिंदु दिए रहेंगे, और कभी दोनों बिंदु नहीं दिया रहेगा, सिर्फ x का मान दिया है, सिर्फ x का मान मान दिया है। तो देखो x और y का मान का यूज हर जगह नहीं होता है, मान के चलो कि फलन xa के फॉर्मेट में हो तो सिर्फ xa का ना मान यूज होगा, और कभी कभी जैसे यहाँ पर y स्क्वायर आ गया तो इसमें देखो इसका जो डिफरेंशिएट करेगा तो y भी आ जाएगा, इसमें y के मान का यूज हो जाएगा, तो वहां पर आपको चूज करना है कि कैसे चूज करेगा। तो पहले ये जो आपको कर्व दिया है इनका एक बार क्या करोगे डिफरेंशिएट, देखो स्लोप कह रहा है, स्लोप क्या कह रहा है स्लोप, तो स्लोप का मतलब ये हो गया डी वाई बटे डी एक्स, स्लोप का मतलब क्या हो गया डी वाई बटे डी एक्स, तब बोलो डी वाई बटे डी एक्स आएगा किससे, तो ये कर्व से आएगा, किससे आएगा कर्व से, तो कर्व को यहाँ पर लिख लेना है y स्क्वायर बराबर क्या हो गया x हो गया ना, ये समीकरण आपका क्या हो गया एक हो गया, यहाँ पर लिखेगा डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने का अर्थ हो गया कि d बटे डी एक्स से दोनों तरफ गुना कर देगा, d बटे डी एक्स से क्या करेगा, तो ये देखो d बटे डी एक्स कर दिए यहाँ पर, ये इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो गया वाई स्क्वायर है, इसमें गुना करेंगे तो डी एक्स बटे क्या होगा डी एक्स हो गया ना, वाई स्क्वायर का क्या होता है समझ गया ना, वाई स्क्वायर का क्या होता है टू वाई, अब चूंकि यहाँ पर वाई है तो डी वाई बटे क्या होगा डी एक्स, जबकि एक्स रहता है तब ना डी एक्स बटे डी एक्स हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया डी वाई बटे डी एक्स। देखो हमारा ये जो था स्लोप यहाँ पर आ चुका है, आ गया ना, तो यहाँ पर देखो ये इसका मान क्या होगा एक, ये टू वाई इधर गुना में इधर क्या होगा भागा में होगा, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या होगा एक बटे दू वाई हो गया ना, इसको समीकरण हम दो मान लिए, मान लिए। अब देखो तो स्लोप फाइनली आपका निकल चुका है, अब आपको क्या चाहिए वाई का मान चाहिए नहीं चाहिए, तो आप सोचे हो कि y का मान कैसे आएगा, x का मान 1
तो y का मान अब आपको फाइंड करना है, नहीं करना है। देखिए x का मान आपको एक दिया है ना जी, यहाँ पर एक रख दो तो y स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एक हो गया ना। तो y बराबर क्या होगा, प्लस माइनस रूट ओवर एक जी। चूंकि आपको ये कह रहा है कि x जो है पूर्व में, ये नहीं, ये y जो है आपको पूर्व में क्या था, ऋणात्मक था कि धनात्मक था, ये चीज तो नहीं है क्लियर, इसलिए प्लस माइनस ले लेते हैं, क्योंकि रियल नंबर की हम बात करते हैं तो प्लस माइनस होगा नहीं होगा जी। तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस एक हो गया ना। तो y का दो मान प्राप्त हो गया, जब y का मान आपको प्लस एक हो तो स्लोप क्या होगा बोलो तो, 1/2। तो 1/2, अब देखिए y के जगह क्या रखोगे, एक, तो दो गुना एक, एक बटे क्या हो गया दो, और जब y का मान हो माइनस एक तो डी वाई बटे क्या हो गया डी एक्स। अब देखो दो गुना माइनस एक, एक बटे माइनस दो, तो फाइनली आपको स्लोप निकल चुका है, ये जो मान आ चुका है एक बटे दो, एक बटे दो, यही क्या है इसका स्लोप से ढाल, जो निकालने के लिए कह रहा था, कर्व की ढाल क्या है, माइनस वन बाय टू, वन बाय टू।